बच्चों वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड इट्स टाइप्स इन मैकेनिक्स दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सो काइनेटिक एनर्जी का हमने डिटेल देखा नाउ लेट अस सी द डिटेल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ठीक है पोटेंशियल जो वर्ड है वो आपको क्या दिखाता है कि सम एबिलिटी ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी इज टाइप ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन ठीक है और इट्स शेप और डिफॉर्मेशन प्रेजेंट इन इट या फिर उसके ओरिएंटेशन पर तो पहले मैं एक बार आपको डेफिनेशन दिखाता हूं एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या तो उसकी पोजीशन हो या उसकी कॉन्फिग्यूरेशन हो तब उसे हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और वो सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होती है कंजर्वेटिव फोर्स अगर वहां पे प्रेजेंट है तो उसके लिए डिफाइंड होती है ठीक है तो मैंने बोला पोजीशन ऐसा क्यों बोला बेटा सपोज करो एक बॉल है और ये बॉल बिल्कुल ग्राउंड पे रखा है तो क्या ये ऑटोमेटिकली खुद से चलेगा नहीं बिकॉज इट इज हैविंग नो पोटेंशियल एनर्जी राइट नाउ है ना ग्राउंड पे ही है तो अपने आप मूव नहीं करेगा बट अस से इसको हमने थोड़ा सा ऊपर मूव किया इस हाइट पर ले जाकर के छोड़ा तो इट कैन नाउ मूव ऑन इट्स ओन टुवर्ड्स द ग्राउंड ठीक है तो ये जो खुद के चलने की एबिलिटी आई है नीचे की तरफ दिस इज वॉट पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अगर मैं एक स्प्रिंग में बात करूं लेट अस से कि एक स्प्रिंग है हमारे पास इट इज कनेक्टेड टू अ वॉल ठीक अब इसके सामने एक ब्लॉक रख दो एंड आस्क दिस ब्लॉक इफ इट वांट्स टू मूव ऑटोमेटिकली तो इट विल से दैट आई डू नॉट हैव एनी एनर्जी आई कैन नॉट मूव बट बेटा इस ब्लॉक को अब स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए साथ में मूव करते हैं एंड से कि इस ब्लॉक के साथ साथ इस स्प्रिंग को हमने क्या किया थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया स्प्रिंग बिकम्स कंप्रेस लाइक दिस अब इसको छोड़ा आपने तो व्हाट विल हैपन ये स्प्रिंग क्योंकि अब कंप्रेस हो चुकी है ठीक है ड्यू टू तो इट्स शेप ड्यू टू तो इट्स डिफॉर्मेशन इट पोजेस सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जो एनर्जी थी जो इसकी हाइट की वजह से आई थी इस तरह की एनर्जी को क्या बोल देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहीं पर अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस करके कुछ एनर्जी स्टोर करती है तो उसे क्या नाम देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अब इसको छोड़ो तो दिस ब्लॉक विल मूव है ना अवे फ्रॉम द स्प्रिंग ये ऐसे चला जाएगा और ये क्यों गया बिकॉज स्प्रिंग ने अपनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया ब्लॉक को और ब्लॉक के पास क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी आ गई ठीक है सो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वोज कन्वर्टेड इन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी ब्लॉक तो कौन कौन सी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है पोजीशन की वजह से आ सकती है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आ सकती है मैंने एक टर्म और नाम लिया शेप हो सकता है उसका डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी हो सकता है जैसे कि स्प्रिंग में ठीक है डिफॉर्मेशन फिर मैंने बोला कॉन्फिग्रेशन एक और टर्म ले लेता हूं मैं यहां पे ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन दिखाता हूं मैं बेटा सपोज कि एक रॉड है ठीक है देर इज अ रॉड एंड इट इज हिंज एट अ पॉइंट ये रॉड हिंज है एट दॉप एंड इट इज जस्ट हैंगिंग ये सपोज करो एक रॉड है इट इज जस्ट हैंगिंग इट इज फ्री टू रोटेट बट इट इज जस्ट हैंगिंग ठीक है अब बेटे इसको हम क्या करते हैं पकड़ते हैं और ऐसे रोटेट करके हॉरिजोंटल बना देते हैं सपोज करो इस रॉड को मैंने क्या कर दिया रोटेट करके हॉरिजॉन्टल बना दिया विल हैपन नाउ इफ यू लीव दिस रॉड ध्यान से देखो ये हमारे पास एक रॉड है ये फ्री टू रोटेट है जब ये वर्टिकली हैंग कर रही थी तो इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी ऑटोमेटिकली मूव करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी ठीक लोएस्ट एनर्जी पे था ये अब इसको क्या करा मैंने धीरे से रोटेट करके यहां ले गया तो जैसे ही छोड़ता हूं ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है इसको ऊपर लेके जाओ तो ये नीचे आ सकता है तो जब इसके ओरिएंटेशन को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बना देते हैं तो ये अपने अंदर एक एनर्जी को स्टोर कर लेता है वो एनर्जी इसको क्या करती है हेल्प करती है हॉरिजोनल से वर्टिकल तक भागने में ठीक है तो दिस एनर्जी टाइप विच इज प्रेजेंट इन अ बॉडी और सिस्टम ड्यू टू पोजिशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स या कॉन्फिग्रेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स या शेप या डिफॉर्मेशन या ओरिएंटेशन उस टाइप की एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी इस बात को हमें ध्यान में रखना है और अब मैं चलता हूं और डिटेल में नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी बेटा अगर ग्राउंड पे था तो हम जीरो बोल रहे हैं ये हमने क्या किया एक रेफरेंस लिया है इस लाइन को हम क्या बोल देते हैं एक रेफरेंस लाइन और अगर यहां पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू जीरो बोला है तो थोड़ी हाइट पर ले जाने पर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कुछ h हाइट जाने की वजह से कितनी होगी वो डिफाइन कर सकता हूं मतलब हमें इनिशियल पता होगी तो यहां पे फाइनल बता सकता हूं ठीक है एक रेफरेंस के हिसाब से ही पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए इस पर और डिटेल में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब अगर आपने पास्ट में भी छोटे क्लासेस में अगर पोटेंशियल एनर्जी देखी होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड होती है ठीक है मतलब जनरली पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वाली ही होती है कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिलती है जनरली मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाता हूं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिलेगी या इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हमने बात की थी कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है राइट वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और आपको याद आएगा अगर हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे थे तो मैंने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है एक और पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग तो बच्चे आपको याद होगा कि स्प्रिंग फोर्स को भी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में रखते हैं तो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की तो ये तीन टाइप की पोटेंशियल एनर्जी ही हमारे कोर्स में होती है और इन्हीं तीन टाइप के फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में रखते भी हैं ठीक है तो ये ध्यान में रखना है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है तो जनरली इनके लिए ही डिफाइंड होती है या फिर कोई और नया कंजर्वेटिव फोर्स आपको बताया जाता है तो उसके लिए भी आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो अब देखते हैं बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या रिलेशन होता है मतलब पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी बच्चों देखिए फोर्स जो है हमने देखा है फोर्स इज इक्वल टू होता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मतलब व्हाट इज फोर्स इट इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ठीक है विथ डिस्टेंस ओके व्हाट इज फोर्स फोर्स इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू पोजिशन तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन का फोर्स बोल रहा हूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं बच्चे हम लोग माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप ठीक है ये डेल जो है ये क्या होता है बेटा ये डेल हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है ठीक है क्या है ये नेगेटिव ऑफ ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ ठीक है पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ठीक कीपिंग या अज्यूमिंग क्या डेल लिखने का मतलब क्या मैंने बोला पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ठीक है इसका मतलब क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं नेगेट ठीक है पार्शियल का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद कीपिंग वाई एंड जेड एज कॉन्स्टेंट ठीक है अज्यूम कर लेते हैं हम लोग जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के टर्म्स में तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जो है पोटेंशियल एनर्जी में वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा ठीक है तो वैसे ही अगर मैं y डायरेक्शन का फोर्स बोलू तो वो क्या हो जाता है माइनस डेल u बाई डेल y j कैप ठीक है और वैसे ही z डायरेक्शन का जो फोर्स है एफ जेड वो हमारे लिए क्या हो जाता है माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप ठीक है ये एक रिलेशन है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में इसमें हम अलग से बातें करेंगे थोड़ी सी इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे बट अभी के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी पे चलते हैं अगर बच्चे फोर्स सिर्फ एक डायमेंशन में ही वारी कर रहा है ठीक है फोर्स वेरीज विथ ओनली वन डायमेंशन लेट लेटेस्ट सपोज एक्स में ही अगर फोर्स लग रहा है तो रिलेशन क्या आएगी एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स ठीक है वाई और जेड की चिंता तो वैसे करनी ही नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ वन डायमेंशनल फोर्स है तो फिर क्या हो जाएगा हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो यहां से अगर मैं डी यू लिखू तो वो क्या लिख सकता हूं माइनस एफ डी एक्स ठीक है आपको डी यू अगर मैं शो करूं तो यह क्या है बेटा निगेटिव ऑफ वर्क डन ठीक है डी यू स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए क्या हो गई निगेटिव ऑफ वर्क डन एफ और डिसप्लेसमेंट डीएक्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा वर्क डन मिलेगा तो इसको जब इंटीग्रेट करते हैं मतलब डी यू को इंटीग्रेट करते हैं यू वन से यू टू तक तो दूसरे साइड हमें एफ डी एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन एक्स वन से एक्स टू तक ठीक है तो डी यू इंटीग्रेट होके क्या बन जाता है यू और लिमिट रखते हैं तो क्या बनता है यू टू माइनस यू वन और राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलता है एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन वो एक्चुअली वर्क डन मिल जाता है ठीक है तो माइनस ऑफ वर्क डन फोर्स हमने सिर्फ कौन सा यूज किया यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स है इसीलिए हम इसको डब्ल्यू सी बोल सकते हैं ठीक है तो ये बात ध्यान में रखो कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज वेन बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम पोजिशन वन टू पोजिशन टू मतलब यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ये बात हमें ध्यान में रखनी है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ये स्टेटमेंट हमें अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एनी टाइम ठीक है मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखता हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ठीक है इज इक्वल टू क्या ध्यान से सुनना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ठीक है वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है वैसे वैसा भी याद रख सकते हो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ठीक है रिपीट करता हूं अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पूछा जाए तो आप क्या लिख सकते हो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U2 टू माइनस यू ठीक है इसको मैंने सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है ओके okay. तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या लिख सकते हो आप लोग नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ठीक है नेक्स्ट बात पे चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ध्यान रखना जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है बेटा वो कुछ भी हो सकती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है वो नेगेटिव भी हो सकती है और कभी तो वो जीरो भी हो सकती है अगर मैं पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के बारे में क्या बोलोगे तो या तो वो जीरो हो सकती है मिनिमम कितनी हो सकती है जीरो और अगर बात करूं कुछ है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी क्यों क्योंकि वो स्पीड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है है ना एंड एनी स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव तो ये ध्यान में रखना पोटेंशियल एनर्जी मैं रिपीट करता हूं बेटा पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो सकती है तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है वो जीरो भी हो सकती है अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो मिनिमम अगर है तो वो जीरो हो सकती है और या तो फिर वो हमेशा पॉजिटिव होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए ठीक है चलो अगर मैं बात करूं यार पोटेंशियल एनर्जी की तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने हमेशा देखा है कि वो हाइट पर डिपेंड करता है ठीक है तो यहां पर जैसे मैं इस डायग्राम में देख सकता हूं कि अगर कार ऊपर चढ़ रही है तो इंजन को वर्क डन करना होगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी है ना और अगर उसको वहां से धक्का दे दो तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है तो हाइट अगर बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है अगर हाइट कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कुछ बातें हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड उन पर भी कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव इफ फोर्स ऑफ रिपल्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडीज ठीक है पोटेंशियल एनर्जी दो बॉडीज के बीच में अगर मैं बात करता हूं तो वो पॉजिटिव होती है अगर उनके बीच का जो फोर्स होता है वो कैसा होता है रिपल्सिव होता है और वो डिस्टेंस के साथ क्या होती रहती है पोटेंशियल एनर्जी कम होती है डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी कम और दूसरी बात कभी कभी यह देखने को मिल सकती है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है अगर दो बॉडीज के बीच का जो फोर्स है वो कैसा हो अट्रैक्टिव फोर्स हो तो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं कुछ समय बाद अगर आप कभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे हो दो बॉडीज हो आपके पास सपोज ये दो बॉडीज हैं बच्चे और इनके मासेज़ एम और एम है तो आप ये पढ़ोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैसे होते हैं अट्रैक्टिव टाइप के होते हैं दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करती है अट्रैक्ट करती हैं और उस फोर्स की वैल्यू ऐसी होती है कुछ देखो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेर ठीक है यहां पे सपोज करो इस बॉडी का मास एम वन और दूसरी बॉडी का मास क्या है बच्चे एम टू है ठीक है तो इनके बीच में डिस्टेंस हमने क्या मानी थी आर ठीक है इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है बच्चे वो क्या होती है माइनस ऑफ जी एम वन एम टू अपॉन आर अब मैं पूछूंगा आपसे कि भाई ये पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हमने क्यों लिखी तो ऐसा पाया जाता है कि जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है दो बॉडीज के बीच में तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है ठीक है अब अगर इस आर की वैल्यू को मैं क्या करता हूं इंक्रीज करता हूं तो ये नंबर छोटा होगा ठीक है एंड अगर उसका मैग्नीट्यूड छोटा हो रहा है मतलब वो जीरो के पास जा रहा है है ना पहले बहुत ज्यादा निगेटिव था अब धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहा है ठीक है तो डिस्टेंस बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या हो रही है बढ़ रही है इस केस में बढ़ रही है क्लियर है ध्यान में रखिएगा इस बात को इफ सेपरेशन इंक्रीजेज मतलब आर इंक्रीज हो रहा है ठीक है देन पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज फोर्स इज अट्रैक्टिव और अगर उनके बीच का सेपरेशन को बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ठीक है इस केस में जो फोर्स होता है उनके बीच में वो कैसा होता है रिपल्सिव फोर्स होगा ठीक है इस बात को जरूरत आने पर ही आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे अभी तो एक स्टेटमेंट मैंने बोल दी है ओके बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें अभी मैं नहीं जा रहा इस लेवल पर आगे चलता हूं देखो फिर से इस बात को थोड़ा सा एक बार रिपीट करके मैं आगे चलूंगा कि अगर डिस्टेंस बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है कम हो रही है तो फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर ये डी का कोई काम नहीं है यहां पे फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर अगर डिस्टेंस बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो रिपल्सिव होगा अगर डिस्टेंस को क्या करने पे बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ठीक है एक ग्राफ है हमारे पास जिसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी कर्व बोल रखा है ठीक है इट इज कर्व विच शोज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ पोजीशन ऑफ पार्टिकल ठीक है देखते हैं वो ग्राफ क्या कहता है भाई जैसे सपोज करो बच्चे कि आपके पास मैंने ये ग्राफ दिया ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और ये पार्टिकल की पोजीशन शो कर रहा है ठीक हमने देखा था कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ पोजिशन ठीक है अगर एक्स में चल रही होती बॉडी तो यहां एक्स लिख सकता था वाई में चल रही होती तो वाई लिख सकता था मैंने आर डिस्टेंस ले रखी है तो आर के टर्म्स में इसको लिखा है तो फोर्स का जो वैल्यू होता है वो है माइनस ऑफ स्लोप ऑफ ठीक है यूवीएस आर ग्राफ ध्यान से समझिएगा इसको ठीक है फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस या पोजीशन देखते ठीक है पहले आप ए पॉइंट को ऑब्जर्व करो ठीक है तो यहां पे क्या हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है कम हो रही है तो उसका स्लोप कैसा हो जाएगा बेटा नेगेटिव तो यहां पे अगर स्लोप है नेगेटिव ठीक है तो फोर्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे नेगेटिव ऑफ स्लोप और स्लोप भी कैसा है नेगेटिव है एक और नेगेटिव अंदर आ गया तो ये कैसा होने वाला है पॉजिटिव ठीक है तो इस जगह पे जो आप फोर्स को ऑब्जर्व करोगे बच्चे तो ये कैसी वैल्यू दे देगा हमको पॉजिटिव फोर्स मिलेगा मतलब जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है उस डायरेक्शन में फोर्स होता है एक और जगह देखते हैं जैसे पॉइंट बी देखते हैं पॉइंट बी पे आप देखोगे तो स्लोप की वैल्यू बेटा कैसी है जीरो है ना यहां पे फ्लैट छोटे से पार्ट में कैसा हो गया है स्लोप मतलब ग्राफ फ्लैट हो गया इसका मतलब स्लोप जीरो है उस जगह पर फोर्स की वैल्यू क्या आने वाली है जीरो तो वही यहां पे लिखा गया है बेटा कि फोर्स की वैल्यू हमने क्या लिखी जीरो एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा सी पॉइंट ठीक है सी पॉइंट पे अगर मैं पूछूं कि भाई स्लोप की वैल्यू कैसी है तो आप बोलोगे कि सर यहां पर टेंजेंट बना लो टेंजेंट बनाया तो उस टेंजेंट का जो स्लोप था वो ऊपर की तरफ था और जब भी स्लोप ऊपर की तरफ होता है हम बोलते हैं स्लोप कैसा है पॉजिटिव तो स्लोप है पॉजिटिव साथ में एक नेगेटिव तो फोर्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए नेगेटिव नेगेटिव फोर्स का मतलब कैसा है लेफ्ट डायरेक्शन में होगा ठीक है ओरिजिन की तरफ होगा करेक्ट तो कभी अगर आपके सामने बेटा ग्राफ दिया हो किसका पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी आपको कम होती हुई दिखे कम होती हुई दिखे वहां फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट दिखे आप समझ लेना वहां इक्विलिब्रियम है मतलब फोर्स क्या है जीरो और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी आपको बढ़ती हुई दिखे समझ लेना कि फोर्स कैसा है नेगेटिव डायरेक्शन में है ठीक है फोर्स उधर की तरफ लगेगा जिधर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है मतलब इस बॉडी को अगर यहां ऐसी बॉडी है ठीक है तो वो राइट डायरेक्शन में जाने की कोशिश नहीं करेगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी जहां भी स्लोप जीरो वहां पे बेटा क्या होगा फोर्स का वैल्यू जीरो होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई यहां पे कौन कौन सी पोजीशन पर बॉडी इक्विलिब्रियम में दिख रही है तो आप बोलोगे सर जहां जहां पर स्लोप की वैल्यू जीरो है एक पॉइंट ये दिखा होगा एक पॉइंट ई e है देखो यहां पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो जीरो दिखेगा और उस जगह पे बेटा फोर्स का वैल्यू जीरो दिखेगा एक पॉइंट एच यहां पे भी देखो स्लोप जीरो है और जहां भी स्लोप जीरो है वहां आपको क्या दिखेगा फोर्स जीरो दिखेगा जहां फोर्स भी देखना हो आपको आप उस जगह पे क्या करो स्लोप देखो अगर स्लोप जीरो तो फोर्स जीरो ठीक अदरवाइज बस एक माइनस साइन लगा करके आपको फोर्स की वैल्यू मिल सकती है इस बात को एक दो क्वेश्चन से और हम डिटेल में देखेंगे ठीक है अभी के लिए यहां पे यह ध्यान रखना कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर और डी आर मतलब क्या डी यू बाई डी आर का क्या मतलब समझोगे या तो स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू आर समझो या फिर समझो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू आर